हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यदि आपके मोबाइल के अंदर काफी सारे ऐसे कॉन्टेक्ट नंबर हैं जिसमें आप उनका नाम लिखना भूल गए हैं और अब आप जानना चाहते हैं कि वो नंबर किसके हैं, या फिर आप अपने सारे कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर उनकी प्रोफाइल सेट करना चाहते हैं, या फिर किसी अनजान नंबर को अपने कॉन्टेक्ट नंबर में सेव कीजिए और उसकी सारी प्रोफाइल पिक्चर अपने मोबाइल में देख लीजिए। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि ये किस प्रकार से हम कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, जिसके बाद ये सारे काम आप अपने मोबाइल में आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल और काम की और कमाल की एप्लीकेशन है, ये आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड, मैं सुनील गौर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी टू मास्टर में स्वागत करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं। तो ओके फ्रेंड, ये रहा हमारा एप्लीकेशन जिसका नाम है आईकॉन। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप यहां पे आ सकते हैं। तो चलिए इस एप्लीकेशन को हम ओपन करके देखते हैं कि इसको किस प्रकार से यूज करना है और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। तो इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस खुलेगा और आपको गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करना है और आपको अपने मोबाइल नंबर से इसको एक बार वेरीफाई करना है। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देते हैं और कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको वेरीफाई करते हैं। ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल नंबर से ये वेरीफाई हो जाएगा। तो ये देखिए, ऑटोमेटिकली ये वेरीफाई कर लेता है। इसके बाद आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर या फिर अपने नाम को यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद दिस इज मी पे क्लिक कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट और नेक्स्ट करते जाइए। यदि आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, थोड़ी देर आपको रुकना होगा। ये आपके मोबाइल के अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं सभी कॉन्टैक्ट नंबर को सर्च करेगा और आपके मोबाइल के अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं उनकी सभी प्रोफाइल पिक्चर आपको यहाँ पर दिखा देगा। यानी कि जिस नंबर से उस व्यक्ति ने जितनी भी प्रोफाइल पिक्चर सेट की होगी, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां पे भी उसने प्रोफाइल पिक्चर सेट की होगी, वहां की सारी प्रोफाइल पिक्चरें आपको यहां पे आ जाएगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो इस प्रकार से आप किसी अनजान नंबर को भी यहां पे सेव करके देख सकते हैं कि उसकी प्रोफाइल पिक्चर कौन कौन सी थी, यानी कि उस नंबर का पता भी लगा सकते हैं। तो बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन हो जाती है। तो फ्रेंड, अब इस एप्लीकेशन ने हमारे मोबाइल के सारे कॉन्टेक्ट नंबर को सर्च किया और उनकी सारी प्रोफाइल पिक्चर हमें लाके यहाँ पे दे दी है। तो अब यहाँ से आप जान सकते हैं कि वह नंबर किसका था। यदि आप उसकी और भी डिटेल जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसके प्रोफाइल पिक्चर को क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिलते हैं, उसको आप कॉल लगा सकते हैं, आप उसको व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं और उसको SMS कर सकते हैं। और यहाँ पे उसकी प्रोफाइल पे आप यदि क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे उसकी सारी डिटेल देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड, नीचे की साइड आपको काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं, उसको इनवाइट कर सकते हैं, उसको कॉल लगा सकते हैं, उसको व्हाट्सएप पे, SMS पे या फिर फेसबुक पे कनेक्ट कर सकते हैं। ऊपर की साइड फेवरेट का ऑप्शन है और फोटोज का ऑप्शन पे आप क्लिक करके उसके सारे प्रोफाइल पिक्चर देख सकते हैं। तो ये देखिए, उसकी जितनी भी प्रोफाइल पिक्चर सेट की थी उसने, वो सारी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे आ गई है। इसकी मदद से आप किसी भी अनजान नंबर की सारी प्रोफाइल पिक्चर देख सकते हैं। बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है और अभी तक मेरा मानना है कि इस प्रकार की एप्लीकेशन आपने यूज नहीं की होगी, क्योंकि इस एप्लीकेशन में आपको सिर्फ उसका नंबर अपने मोबाइल में सेव करना है और उसकी सारी प्रोफाइल पिक्चर निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये एप्लीकेशन आपको बहुत ही पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हम आपके लिए इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो लेके आते रहते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। यदि आप अपने दोस्तों की हेल्प करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। चलता हूँ फ्रेंड, मैं आपको फिर मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप हमारे चैनल से बने रहें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। गुड बाय फ्रेंड।